इस खूबसूरत एक ट्रेस की अनोखी है कहानी। 8 शादियां की और सिर्फ एक बार लिया तलाक। 8 साल पहले आज ही के दिन 23 मार्च प्रख्यात हॉलीवुड एक ट्रेस एलिजाबेथ टेलर ने दुनिया को अलविदा कहा। इतने साल बाद भी दुनिया भर में मौजूद एलिजाबेथ टेलर को उनके प्रशंसक नहीं भुला पाए हैं। बता दें कि हॉलीवुड एक ट्रेस एलिजाबेथ टेलर को उनके प्रशंसक लिज टेलर भी बुलाते थे। हॉलीवुड फिल्मों में चर्चित अभिनेत्रियों में शुमार एलिजा को उनकी शादियों की वजह से सबसे ज्यादा ख्याति मिली। हालांकि वे बेहद खूबसूरत और योग्य कलाकार थीं। जितना अधिक शानदार उनका फिल्मी करियर रहा, ठीक उसके उलट वैवाहिक जीवन बेहद उथल पुथल भरा रहा है। दरअसल 79 वसंत देख चुकी एलिजाबेथ टेलर ने कुल 8 शादियां की थीं। इनमें पहली शादी तो सिर्फ 9 महीने चली और फिर तलाक हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि 8 शादियां करने वाली एलिजा का यह पहला और अंतिम तलाक था। कहने का मतलब खूबसूरत एलिजा ने कुल 8 करके सिर्फ एक तलाक लिया। वे भी पहले पति से 8 शादी में 2 शादी तो एक ही शख्स से की थी। गौरतलब है कि बला की खूबस इस हॉलीवुड अभिनेत्री ने 8 लोगों से 7 बार शादी की। पहली शादी कॉनराड ने की हिल्टन से की थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी में विवाद हो गया और आखिरकार दोनों ने आपसी सहमति से 9 महीने बाद ही तलाक ले लिया। 8 शादी की कड़ी में एलिजा ने दूसरी शादी माइकल वाइल्डिंग से की। यह शादी खूब चर्चा में रही क्योंकि उनके पति वाइल्डिंग उनसे 20 साल बड़े थे। कुछ साल बाद अनबन के चलते एलिजा माइकल वाइल्डिंग से अलग हो गई। इस अकेलेपन में उनके करीब आए माइकल टॉड और कुछ समय की मेल मुलाकात और डेटिंग के बाद एलिजा ने तीसरी शादी माइकल टॉड से की। फिर कुछ साल बाद टॉड की मौत के बाद एलिजाबेथ टेलर की करीबी एडी फिशर से बढ़ी। मुलाकातों के कई दौर चले, हालांकि इस पर कई विवाद भी उठे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिशर पहले से ही विवाहित थे। बावजूद इसके एलिजा और फिशर बहुत करीब आ चुके थे और आखिरकार एलिजा और फिशर ने शादी कर ली। यह एलिजा की चौथी शादी थी। यहाँ पर बता दें कि असफल होने के बाद उन्होंने किसी भी पति से तलाक नहीं लिया था। फिशर से अलगाव के बाद एलिजा को काफी समय तक तन्हाई का दौर झेलना पड़ा। इसके बाद उनका लगाव रिचर्ड बर्टन से हो गया। वे भी हॉलीवुड एक्टर थे। बताया जाता है कि एलिजा और रिचर्ड बर्टन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर दोनों ने रजामंदी से शादी कर ली। एलिजा की यह 5वीं शादी थी जो उन्होंने रिचर्ड बर्टन से की थी। अच्छी बात यह रही कि पति पत्नी का यह रिश्ता काफी लंबे समय तक चला। बताया जाता है कि एलिजा रिचर्ड के बीच शादी से पहले और उसके बाद करीब 10 साल मधुर रिश्ता रहा। यह अलग बात है कि रिचर्ड बर्टन से भी उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और तलाक हो गया। यह बात बेहद रोचक और हैरान करने वाली है कि एलिजा रिचर्ड के बीच मोहब्बत दोनों को फिर से करीब लेकर आई और तकरीबन 1.5 साल 16 महीने बाद दोनों ने फिर से शादी कर ली। यह एलिजा की 6ठी शादी थी। एलिजा ने फिर 7वीं शादी जॉन वार्नर से की, लेकिन दोनों के बीच कुछ ही दिन में विवाद पैदा हो गया और यह रिश्ता अलगाव की ओर बढ़ा और आखिरकार दोनों अलग हो गए। एलिजा ने आखिरी और 8वीं शादी लैरी फोर्टेंस्की के साथ की। एलिजाबेथ की गिनती हॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में होती है। इंग्लैंड की महारानी उन्हें डैम की उपाधि से सम्मानित कर चुकी हैं। यह पुरुषों को दी जाने वाली सर की उपाधि के समान ही महिलाओं को दी जाने वाली उपाधि है। 2 ऑस्कर पुरस्कार एलिजाबेथ ने अपने जीवन में 50 हॉलीवुड फिल्में की। 50 के दशक में उन्हें 4 बार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया और एलिजाबेथ ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते। यह उनकी अभिनय क्षमता और उनकी कलाकार के समर्पण को दर्शाता है। पहला ऑस्कर उन्हें 1960 में बटरफील्ड के लिए मिला और दूसरी बार 1966 में हुईज अपग्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के लिए उन्हें ऑस्कर से नवाजा गया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता रिचर्ड बर्टन के साथ काम किया था जिनसे उन्होंने शादी की थी। एलिजाबेथ टेलर और बर्टन की पहली मुलाकात 1963 में क्लियोपेट्रा फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई और इसके बाद लिज ने बर्टन के साथ 2 बार शादी भी की। 23 मार्च 2011 की सुबह हॉलीवुड की महान अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर का लॉस एंजल्स के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अस्पताल में टेलर के अंतिम समय में उनके 4 बच्चे माइकल, क्रिस्टोफर, लिजा और मारिया उनके पास मौजूद थे। एलिजाबेथ ने कम उम्र से ही फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया था। यहाँ पर बता दें कि 27 फरवरी 1932 को जन्मी एलिजाबेथ टेलर बेहद खूबसूरत थी। पुरुषवादी फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी सुंदरता, अभिनय क्षमता, जीवन शैली और 8 शादियों के कारण हमेशा वे अलग दिखाई दीं।